वेलकम ट्रेडर्स। सो मैं आज आपको जस्ट एक सेटअप दिखा रहा हूँ मेरा। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, आज वीडियो बना रहा हूँ। तो हम लोग बैंक निफ्टी में आज ट्रेड करने वाले हैं। 15 मिनट्स का कैंडल है। बाय द वे आज 25th ऑफ फेब है 2020। हम लोग ये आज के दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट जो है ये गैप डाउन ओपन हुआ है और थोड़ा सा डाउनवर्ड रैली दिखा रहा है, और बहुत दिनों के बाद ट्रेड कर रहा हूँ इसके लिए मैं इनिशियली, मतलब इमीडिएटली ट्रेड में नहीं लेने वाला। थोड़ा ऑब्जर्व करूंगा, थोड़ा एनालाइज करूंगा, चाहिए तो पहले एक पेपर ट्रेडिंग करूंगा। तो मैं पेपर ट्रेडिंग कैसे करता हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं चार्ट्स पे ही सब कुछ करता हूँ। 9:45 को हमने वीडियो स्टार्ट किया है। 9:45 को मैंने मार्केट में एंट्री लेके थोड़ा सा एक एनालिसिस करने के लिए कुछ लाइंस बनाए थे। मोबाइल में वीडियो बना रहा हूँ एंड दिस विल बी मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट वीडियो जो मैं मोबाइल में बना रहा हूँ। उसके बाद हम लोग लैपटॉप में वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बस इतना दिखा रहा हूँ। 15 मिनट्स के कैंडल पे मैंने देखा है कि जो कल के दिन के जो लोस थे, मैं वहाँ से एक लाइन बनाया हूँ जो ब्लैक कलर में रखा हूँ। और अभी मैं यहाँ पे जरा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ थोड़ा सा वो, क्योंकि ये आज के दिन के लिए है कि मार्केट किस तरीके से नीचे आ रहा है। मुझे बस एक ट्रेंड लाइन बनाना है मोबाइल में। गाइज ये सब करना, एंड स्पेशली इफ यू आर ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी और निफ्टी, तो मोबाइल में ट्रेड करना, मोबाइल में चार्ट एनालाइज करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप मोबाइल में ट्रेड करो। हाँ, अनटिल एंड अनलेस आपका प्राइस एक्शन के बारे में नॉलेज बहुत अच्छा है, आपको चार्ट स्टडीज बहुत अच्छे से आती है और आप मोबाइल में ट्रेडिंग कर सकते हो आराम से, तो कोई बात नहीं, आप जरूर करो। बट उसके अलावा आई वोंट रिकमेंड यू ऑल टू यू नो ट्रेड ऑन मोबाइल। सो गाइज वेल बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हम लोग 1 मिनट के कैंडल पे जाते हैं, तो आप देख सकते हो 15 मिनट में मैंने जो ग्रीन लाइंस बनाई थी वो ग्रीन लाइंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। तो लेट मी फर्स्ट एडजस्ट दैट पार्ट, तो थोड़ा उसको एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। हाँ, मैं आपको बोल रहा था कि बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी या निफ्टी, यहाँ पे ट्रेड करना, इसके फ्यूचर्स में ट्रेड करना मुझे पर्सनली स्पीकिंग मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगता है। अच्छा इसके लिए लगता है क्योंकि गाइज सी, अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो तो इक्विटी में आपको हर दिन वॉच लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करते हो तो नो डाउट आपको थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लगता है। बट अगर मैं बात करूँ कि आपका टाइम कंज्यूम कितना होता है, तो जो वॉच लिस्ट प्रिपरेशन के लिए आपको जो स्टडीज़ करते बैठना पड़ता है और जो यू नो मेहनत करनी पड़ती है उसके पीछे, वक्त ज़ाया होता है, तो उससे बेहतर है कि आप एक बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट्स को देखो और उनमें ट्रेड करो। नो डाउट यहाँ पे लॉट साइज है, बैंक निफ्टी की लॉट साइज मिनिमम 20 है और निफ्टी की लॉट साइज मिनिमम 75 है, तो आपको इस लॉट साइज के हिसाब से काम करना पड़ता है। यहाँ पे वोलेटिलिटी ज्यादा है, आपको लॉस भी ज्यादा हो सकता है और प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है। बट गाइज लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। ओके गाइज, नाउ यहाँ पे मैं जैसा देख पा रहा हूँ एक ग्रीन कैंडल दिख रही है मुझे एट अ पर्टिकुलर दिस पॉइंट, सम अराउंड मैं कह सकता हूँ कि यू नो 9:38-9:40 के आसपास मुझे एक ग्रीन कैंडल दिख रही है, जो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा गट फीलिंग दे रही है। गट फीलिंग भी नहीं बोल सकते कैंडल्स को देख के, जितना अगर आपने मेरा कैंडल्स वाला वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज एन हैमर कैंडल। तो हैमर के कैंडल जैसा मुझे एक यहाँ पे अंदाजा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत हैमर जैसा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सी, मैं श्योर नहीं था, मैं श्योर नहीं हूँ, इसके लिए मैं सिर्फ पेपर ट्रेड कर रहा हूँ। तो पेपर ट्रेड के लिए गाइज मैंने लॉन्ग पोजिशन यहाँ से चुना है जीरोधा के ऐप में, और लॉन्ग पोजिशन मैंने यहाँ पे सेट किया है। मैंने टारगेट अपना 50 पॉइंट्स का, स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स का रखा हुआ है। दिस इज अ पेपर ट्रेड, ये जस्ट मुझे कॉन्फिडेंस देने वाला है कि वेदर यू नो इतने दिन के बाद जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं ट्रेड कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने ट्रेड नहीं किया। तो लेट्स सी, ये एक मैंने पोजीशन बनाया है एट 9:50, 9:49, 9:50 के आसपास।
सो लेट्स सी, ये पोजीशन मैंने गाइस फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये मैं एक पेपर ट्रेड की तरह ट्रेड कर रहा हूँ जस्ट टू गेन कॉन्फिडेंस, एंड दिस इज नॉट एन एक्चुअल ट्रेड। सो गाइस, इसमें क्या मूवमेंट होती है आई विल अपडेट यू ऑल एज सून एज द मूवमेंट आई सी। सो स्टे ट्यून गाइस। सो गाइस, मैंने थोड़ी देर के लिए मैं ऑफलाइन चले गया था, मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहा था, और जब मैं वापस आया तो देख सकते हो आप 10 बज रहे हैं, आप वॉच में देख सकते हो, साइड में आपके लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में टॉप पे आप देख सकते हो 10 बज रहे हैं, एंड माय टारगेट ऑफ 50 पॉइंट्स हैज ऑलरेडी यू नो इट्स राइट ऑन टारगेट, इट्स बैंग ऑन टारगेट, हिट हो चुका है। मैंने बाकी की ग्रीन लाइंस हटा दी है अभी तक, बट आप देख सकते हो टारगेट हिट हो चुका है। हार्डली विद इन 5 to 6 मिनट्स मेरा टारगेट अचीव हो चुका है। सो आई गेस दिस थिंग इज गिविंग मी कॉन्फिडेंस, गुड कॉन्फिडेंस। बट ये अभी एक जो गैप अप ओपन हुआ है, या फिर यहाँ पे जो गैप अप दिखा है मुझे, मेरा टारगेट हिट किया है, ये गैप करके उसने हिट किया है, तो ये जो गैप मुझे दिख रहा है, ये मुझे शायद ऐसा फील करके दे रहा है कि बॉस ये आगे जाके गैप फिलिंग की कोशिश करेगा। तो लेट्स सी, मैं एक डाउनवर्ड साइड एक लाइन बना लेता हूँ। सो गाइज, मैंने एक डाउनवर्ड साइड एक ट्रेंड लाइन बनाने के लिए वापस से 15 मिनट्स के कैंडल पे गया था, और मैंने एक ब्लैक लाइन बनाई हुई है कंसिडरिंग द प्रीवियस स्टॉप, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये जो गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप होके ऊपर गया था, ये गैप अप जो दिखा रहा है ये यू नो मेरी लाइन को क्रॉस करके जा रहा है। सो नाउ मूविंग अहेड विथ 1 मिनट कैंडल, मैं 1 मिनट को भी एनालाइज करूंगा। अब गाइज अपने को इसकी जरूरत नहीं है, आई एम डिलीटिंग इट नाउ। अगर हम लोग इसको देखते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा मुझे अभी क्यूरियोसिटी हो रही है क्योंकि ये जो गैप है ये कहीं ना कहीं फिल होगा, तो आई एल बी जस्ट वेटिंग कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले, मैं शॉर्ट कर सकूं। ज़्यादा नहीं, 50 पॉइंट भी अगर मिल जाते हैं मैं शॉर्ट कर सकता हूँ तो मैं शॉर्टिंग ज़रूर करूँगा। शायद मैं फिर से एक बार पेपर ट्रेडिंग ले लूँ, और अगर मैं कंफर्म हूँ, एकदम 100% कंफर्म हूँ, तो ही मैं प्राइस डालूंगा और मैं बाय करूंगा, मतलब एंट्री लूंगा। सो लेट्स सी वेदर आई गो फॉर अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी और अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, मतलब मैं सेल फर्स्ट बाय लेटर करता हूँ या बाय फर्स्ट सेल लेटर करता हूँ, लेट्स सी। बट करंटली ये जो मैंने लाइन बनाई हुई है ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है। यू कैन सी, मैंने थोड़ा सा और वीडियो पॉज करके आगे बढ़ा दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो काम हो रहा है, ये मेरी जो लाइन है इसको ये अच्छा खासा सपोर्ट लेके वापस से ऊपर की तरफ जा रही है। अब मार्केट नीचे आने की तरफ कोशिश कर रहा है, बट यू नो उतना हद तक नीचे नहीं आ रहा है। एक उसने एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, जो मैंने एक ब्लू लाइन बनाई हुई है, सो दिस इज माय रेजिस्टेंस लेवल। अगर ये इस लाइन को सपोर्ट करते करते ऊपर नीचे रैली कर रहा है तो यू नो लेट्स सी, शायद हम लोग पोजिशन ले लेंगे। गाइस, वीडियो बनाते बनाते एक 8 मिनट 20 8 मिनट हो चुके हैं, 8.5 मिनट हो चुके हैं टोटल वीडियो को। डोंट वरी गाइस, वीडियो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के ही मैक्सिमम रखने वाले हैं, 15 मैक्स टू मैक्स 20 मिनट। मैं ज़्यादा लंबे वीडियोस बनाना प्रेफर नहीं करता और मैं बनाना भी नहीं चाहूँगा, बट गाइस कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बातें आपको कहना चाहता हूँ। सी गाइज, जैसे मैंने अपना एक ओपिनियन रखा था कि मुझे ऐसा लगता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज गुड टू ट्रेड। सी, आपके अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, आप शायद इक्विटी मार्केट को ज़्यादा प्रिफर कर रहे होगे, बट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, दैट यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन आनी चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट स्टडीज आने चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक्स को समझना आना चाहिए। अगर इतना आपको आता है तो आपको कोई भी न्यूज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मेंटर के पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सपर्ट के पीछे जरूर लगने की ज़रूरत नहीं है। सी, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फेक मेंटर्स, सो कॉल्ड फेक मेंटर्स है, मैं कोई मेंटर नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई कोर्स वगैरह कंडक्ट करता हूँ, ना मैं किसी को कुछ सिखाता हूँ। अगर मैं सिखाता हूँ तो अपने दोस्त की तरह सिखाता हूँ, एंड आई ऑल दैट आई डू इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बस मैं इतना चाहता हूँ कि हर कोई पैसा कमाए। अच्छा गाइज, यहाँ पे अब एक इंटरेस्टिंग थिंग हुई है, यहाँ पे इसने ये जो ब्लू लाइन है इसको ब्रेक किया है,
अब ये ब्लू लाइन को ब्रेक करा है तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि यस इट इज गोइंग टू गिव मी अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो लेट्स सी ये मतलब ब्लू लाइन को ब्रेक करके बाद में जो नीचे ब्लैक लाइन बनी हुई है इस ब्लैक लाइन पे सस्टेन करता है या नहीं। अभी के लिए मैं पेपर ट्रेडिंग के इसमें मैं एक एंट्री यहाँ पे बना रहा हूँ, पोजीशन बना रहा हूँ। यू कैन सी नीचे की तरफ ग्रीन साइड है, मतलब मैं शॉर्टिंग कर रहा हूँ। अब अगर मुझे ऐसा कोई भी एक कैंडल मिलता है जो मुझे कंफर्मेशन देता है कि नो बॉस इट्स परफेक्टली गोइंग डाउन साइड, तो ही मैं इसमें एंट्री लूंगा, अपने पैसे लगाऊंगा, नहीं तो मैं पैसे नहीं लगाने वाला एज ऑफ नाउ। तो गाइज लेट्स सी स्टे ट्यून्ड क्या हो रहा है। गाइज यहाँ पे मुझे एक कैंडल ऐसे दिख रही है, इसने जो एक अपवर्ड रैली बनाई है, ये अपवर्ड रैली ये सिर्फ ब्लू लाइन को टच करके वापस से नीचे आ रही है ऐसे लग रहा है मुझे। मैं थोड़ा सा जूम इन करके देखना चाहता हूँ ये जो कैंडल करंटली बन रही है, अगर ये हैंगिंग मैन टाइप कैंडल बनती है तो आई जस्ट सी आई माइट गो इन फॉर इट। मैं शायद पोजीशन बना लूंगा, आई जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस। वेल ये कैंडल मोस्ट प्रोबेबली यस दिस इज एन हैंगिंग मैन। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल है, आई जस्ट वॉन्ट इट टू शो मी अ रेड कैंडल इन कन्फर्मेशन। मैं एक कैंडल और रुकूंगा। देखिए ट्रेडर्स एक चीज याद रखिए, साइकोलॉजिकल गेम है। साइकोलॉजी से एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी भी चलती हुई ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए, इट इज रिस्की। इसका मतलब यह है कि कोई भी कैंडल जब तक वो खत्म नहीं हो जाती तब तक आप ट्रेड नहीं लेते। अब देखो गाइज ये कैंडल मुझे रेड कलर दिखा रही है, लेकिन मैं रेड है इसके लिए मुझे शॉर्टिंग मिल रहा है ऐसे सोच के मैं नहीं घुसूंगा। आई विल वेट, आई विल कीप पेशेंस फॉर दिस कैंडल टू गेट ओवर। नाउ वंस दिस कैंडल गेट्स ओवर, इफ इट गेट्स ओवर विथ रेड, यू नो इट विल गिव मी एन कन्फर्मेशन, अफर्मेटिव हो जाऊंगा मैं और मैं एंट्री लूंगा, नहीं तो मैं एंट्री नहीं लेने वाला। सो स्टे ट्यून। अगर ये डोजी भी बनता है तो भी मेरे लिए कंफर्मेशन रहेगा कि हाँ भाई यहाँ पे इंडिसीजन चल रहा है। इट इज समवॉट डोजी और अभी जो कैंडल रेडी हो रही है ये रेड है। सो लेट सी वेट, आई विल जस्ट वेट क्या होता है। रेड थी वापस से ग्रीन हो गई है, थोड़ा सा इंडिसीजन चल रहा है, लेकिन इतना तो पक्का हो गया है मेरे लिए कि ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पे अब वो उसको रेजिस्टेंस बना रहा है। वेल गाइज इट्स ऑलमोस्ट आई एम वेरी मच श्योर नाउ कि पहले एक हैंगिंग मैन आ गया, उसके बाद एक डोजी कैंडल आ गई और अब एक रेड कैंडल आ रही है। सो मैं मेरे साइड से प्रिटी मच श्योर हूँ कि ओके आई हैव एन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली 510 511 की रेंज पे शॉर्टिंग करूंगा। वेल गाइज आई एम नॉट गोइंग टू हेजिटेट मोर, आई एम एंटरिंग इन टू इट। मैं दो लॉट्स खरीद रहा हूँ, दो लॉट मतलब 40 क्वांटिटीज होता है, एंड आई विल बी हैविंग ए ब्रैकेट ऑर्डर ओवर हियर। मैं प्राइस 510 रखने वाला हूँ, ब्रैकेट ऑर्डर स्टॉप लॉस ऑफ 50 पॉइंट्स एंड ऑब्वियसली 1:1 रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे, 50 पॉइंट्स का टारगेट, एंड लेट्स हिट इट। वेल गाइज इट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड, लेट्स सी इन द पोर्टफोलियो जोन वी आर इन द प्रॉफिट ऑफ 200 100 रुपीज। अभी वापस से एक बार चार्ट पे जाएंगे तो मुझे वापस से पूरा सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन अब हम हमारी एक्चुअल पोजिशन बनाएंगे यहाँ पे। तो अपनी एक्चुअल पोजिशन में एक बार 1 मिनट के कैंडल पे आ जाओ। ओके हमारी एक्चुअल पोजिशन जो हम लोग ने ली है वो ली है 510 पे और शॉर्टिंग के लिए ली है। तो लेट अस जस्ट प्लेस इट, हम लोग शॉर्टिंग के लिए यहाँ पे पोजीशन बनाए हैं। एंड सी गाइस ट्रेड सेटअप एकदम सिंपल सा था, मैंने आपको पूरा ट्रेड सेटअप समझा दिया है यहाँ पे, और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करते टाइम पे आपको सिर्फ आपके प्राइस एक्शन पे और थोड़ा बहुत कैंडल्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। कैंडल्स आपको थोड़े बहुत भी पता है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया है उसमें मैंने बस एक शॉर्ट पार्ट बताया था कैंडल्स के बारे में। अगर आपको फुल डिटेल्स मिल जाती है तो और अच्छी बात है। गाइज हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे एक 25 30 पॉइंट्स के प्रॉफिट में चल रहे हैं।
मैं अभी वो प्रॉफिट वाले जोन में मोबाइल फोन में हूँ तो नहीं जा सकता, क्योंकि वापस से उधर जाऊंगा तो ये जो बनाया हुआ सेटअप है ये निकल जाएगा। दैट्स द डिसएडवांटेज व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन मोबाइल फोन्स। बट एज सून एज यहाँ पे ये अपना टारगेट हिट करता है, मैं आपको मेरा प्रॉफिट जरूर दिखाऊंगा। देखो, ब्रैकेट ऑर्डर का यही बेनिफिट है कि आपका टारगेट जो है वो ऑटोमेटिक हिट हो जाता है। कवर ऑर्डर में आपको बाहर जाके एग्जिट करना पड़ेगा, पर ब्रैकेट ऑर्डर में आप डायरेक्टली आपका हिट हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग, ब्रैकेट ऑर्डर रहे या कवर ऑर्डर रहे, दोनों में ब्रोकरेज सेम लगता है। तो अगर आपको ऐसा कोई बोलता है कि लेवरेज कम मिलता है या ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ब्रोकरेज भी सेम लगेगा, लेवरेज भी उतना ही मिलेगा। सो गाइज, आई पर्सनली फील कि यहाँ पे अपना ऑर्डर जल्दी से जल्दी टारगेट हिट करने वाला है। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर ये ऐसा हुआ तो बहुत क्विक बाइट हो जाएगी ये बहुत इजीली मेरा टारगेट। ओके, दिस इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्लोज आई गेस। एक सिंगल पुल डाउन और मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। यस गाइज, अपना टारगेट हिट हो चुका है। एंड वेल, आई जस्ट शो यू। सो गाइज सी, दिस इज द टारगेट हिट, 40 क्वांटिटीज इंटू 50 पॉइंट्स, दैट इज 2,000 रुपीज। आप देख सकते हो विद इन 7 मिनट्स द टारगेट हैज बिन अचीव्ड। आप देख सकते हो 7 मिनट पहले हमने ऑर्डर प्लेस किया था और अभी अभी जस्ट टारगेट अचीव हो चुका है। मीन्स ओनली 7 मिनट्स गाइज। सी गाइज, दिस इज द फन पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। आई एम डन फॉर द डे बाय द वे। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं एक ही दिन का एक ही ट्रेड कर लूँ, और मैं सिर्फ 40 क्वांटिटीज में ट्रेड करना प्रेफर कर रहा हूँ। नो डाउट धीरे धीरे मैं अपने क्वांटिटीज बढ़ाऊंगा। अगर आपको कुछ सीखने मिला हो तो प्लीज लाइक करे, सब्सक्राइब करे एंड शेयर करे ये वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।